দার্জিলিং জেলা পুলিশের বড় সাফল্য, চুরি যাওয়া 11টি মোটর বাইক উদ্ধার করল পুলিশ। মোটর বাইক ও স্কুটি চুরির ঘটনায় তদন্তে নেমে চুরি যাওয়া 11টি বাইক এবং স্কুটি উদ্ধার করল দার্জিলিং পুলিশ। ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার দুপুর 3টে নাগাদ গাড়িথুরা আউটপোস্ট এবং সাংবাদিক বৈঠক করে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানান দার্জিলিং পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ। দার্জিলিং জেলা মে লাস্ট 3-4 মহিনে সে कुछ चोरी की घटनाएं हमारे सामने आ रही थी। बाइक चोरी, बाइक मतलब स्कूटी और बाकी सारी बाइक्स हैं। ये घटना मेनली सदर पीएस मिरिक एंड करसवांग पीएस से हम लोग को सुनने में आ रहा था। तो हम लोगों ने जो भी रिपोर्ट हुआ था केस, हम लोगों ने बिना देरी किए सब में एफआईआर किया। और सदर पीएस के अलावा हम लोगों ने जो सबसे ज़्यादा चोरी हुई थी वो हम लोग का करसवांग पीएस के अंदर हुआ था एंड बाइक मिरिक में। टोटल हम लोगों ने टोटल 14 केस किया था हम लोगों ने लास्ट 3-4 महीने में। और चोरी, बाइक चोरी का एक सारा घटना, तो इसको लेकर के काफ़ी हम लोग गहन चिंतन कर रहे थे। सब लोग मिल करके टीम कैसे बनाई जाए, क्या किया जाए। तो हम लोग को ब्रेक थ्रू 3-4 दिन पहले मिला इस केस में कि हम लोगों ने एक छोटा सा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तो बनाया ही था जो बाइक को रिकवरी करने में हेल्प करने में हम लोग देख स्पेसिफिक उनका फोकस यही था। हमारे दो ऑफिसर को लेकर बनाया था हम लोगों ने और उन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट जगह रेड भी किया था। तो वहाँ से हम लोग को दो बाइक्स मिली थी। पहले एक हमारे एरिया का था, सदर पीएस में चोरी हुई थी बाइक, और एक बाइक माटीगढ़ा थाना के इलाका से चोरी किया गया था। उसके बाद इसी के 2-3 दिन के बाद फिर से हम लोग अराउंड 2-3 दिन पहले अभी हमारा जो नाका पार्टी रात को लगाया था हम लोगों ने, बेसिकली हम लोगों ने इसके बाद अराउंड 11 जगहों पर नाका फिक्स किया था। और एक एम्बुश टीम और बाकी कुछ स्पेशल मोबाइल होता वो निकाला था। और सारा नाका पार्टी इन सब टीम को सीनियर ऑफिसर सुपरवाइज कर रहे थे, इंस्पेक्टर अपवर्ड्स, डीपीओ, एडिशनल एसपी, सब लोग। तो ये हम लोग रेगुलर बेसिस पे चेक करते थे कि क्या स्टेटस है नाका का। और ये थैंकफुली नाका कुछ दिन लगने में ही 2-3 दिन पहले जो चोर पकड़ा गया है अभी, जिसका नाम असीम भौमिक है, वो रात को फिर से करसवांग से बाइक एक चोरी करके जा रहा था, स्कूटी। हमारी टीम थी यहाँ पे, हमारे ASI करुण प्रधान है, इसके अलावा बाकी उनके साथ में कुछ कांस्टेबल्स थे, ट्रेनिंग कांस्टेबल, को सिविक पुलिस फोर्स था, जिन्होंने इंटरसेप्ट किया उसको, फिर चेज किया। जब पूछने पासने पे चेज करने पे बाइक पकड़ा गया, उसके पास एक स्कूटी। तो पूछताछ करने के बाद उसने बाकी जो बाइक उसने चोरी की हैं हमारे एरिया से, टोटल 14 बाइक चोरी की थी उसने, सब उसने एक्सेप्ट किया है। और एविडेंस भी हम लोग को उसके डायरेक्शन में मिला था। तो हम लोग ने और बेटर तरीके से पूछताछ करने के बाद बाइक जो है कूच बिहार में जो कोतवाली पीएस है वहाँ पे एक रिसीवर था इसका, जिसका नाम था मोमिनुर मियाँ नाम है, लड़के का नाम असीम भौमिक जो करता था चोरी। मोमिनुर मियाँ के पास हम लोग डेकॉय कस्टमर बन के गए एंड फिर वहाँ से हम लोगों ने उसको पकड़ा। और फिर उसने बताया कि उसने बाइक कहाँ कहाँ बिक्री की है। तो हम लोगों ने अब तक टोटल 11 बाइक रिकवर कर लिए, टोटल 14 रिपोर्टेड केसेस, 11 बाइक रिकवर कर लिए हैं। 3 का ही पता लग गया हम लोग कहाँ पे है, वो भी रिकवरी हो जाएगी हमारी बाइक। तो जो केसेस हुए थे आशा करते सारे बाइक रिकवर होकर के, तो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करके हम उनके ओनर्स को बाइक वापस लौटा भी देंगे। मतलब ये लोग पहले भी ये बाइक चोरी के साथ जुड़ा हुआ था जो असीम भौमिक है, इसमें हम लोग जो बता रहे हैं SIT के अलावा बाकी जो हम लोग किया है उसमें हम लोग रिसर्च भी किया था। तो ये पुराना इसके अगेंस्ट बाइक चोरी का केस है 2014-15-16 साल में, कुछ सोनादा एरिया में एंड कुछ करसवांग एरिया में इसने 3-4 बाइक चोरी की थी, उसको लेके केस भी था। एंड फिर अभी ये कुछ दिनों से एक्टिवेट हुआ था आदमी फिर से, कि किसी केस के कारण जेल में था एंड जेल से निकलने के बाद इसने वापस इस काम में घुस गया। एंड जो मोमिनुर मियाँ था ये इस मुल्का जेल में हुई थी कि बाइक चोरी के लिए कैसे भेजा, बेचना है, क्या करना है, डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, ये सारा प्लानिंग उन्होंने जेल में किया था। उसके निकलने के बाद इन्होंने, सिंस इसका एक्सपीरियंस करसवांग पहले से था, तो वेरी केयरफुल एंड वेरी कॉशियस कि कैसे करना है, उसको पता एरिया का सब कुछ पता था। वेरी डिफिकल्ट टू कैच हिम। तो इसका माता भांग का कुछ बिहारी तो है, कुछ बिहारी घर इसका, और एक दिन जो है उसका भी कुछ भी कोतवाली पीएस के अंदर ही है। तो ये बहुत बड़ी रिकवरी है और इस रिकवरी में मेरी पूरी टीम का सबसे बड़ा योगदान है। इसमें रात के समय जो नाका पे लगे हुए थे लोग, हमारे ASI और बाकी सिविक एंड कुछ रिक्रूट कॉन्स्टेबल थे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। इसके अलावा सुपरविजन जो था हमारे ऑफिसर्स का, एडिशनल PS, DPO, IC जो है थाना के एंड बाकी ऑफिसर जो हैं, उस सुपरविजन बहुत बढ़िया था। इस वजह से हमने 14 के 14 बाइक जो चोरी हुए थे सबको पता लगा लिया हम लोगों ने। और 11 तो बाकी जो तीनों बाइक आपने बोला उन लोगों में इन्हीं का ही हाथ है। यस,
सारे बाइक उन्होंने कबूल भी कर लिया इनका हाथ है एंड उन तीन का हम लोग लोकेट भी कर लिया है, तो आशा करते वो तीन बाइक वापस आ जाएगा हमारे पास लीगल प्रोसेस जो है उसको फॉलो करके, तो उसके जो एक्टर उन्होंने उनको हम हैंड ओवर कर देंगे बाइक को।